शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। घड़ी के साथ? हाँ? अरे नानी माँ, घड़ी के साथ नहीं, मैं तो वक्त के साथ खेल खेल रही हूँ। अब देखो ना, वो वहाँ पे इंतजार कर रहा होगा और मैं तो गई नहीं। पर नानी माँ तू ही बता, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरी घड़ी में तो 2 बजे ही नहीं। देखो ना नानी माँ, मैंने वक्त को कैसे रोक लिया। काश ये वक्त रुक जाता। अरे पगली, वक्त को रोकने के चक्कर में तुझे पता है वक्त कितना आगे निकल गया है? 6 बज रहे हैं। चल घड़ी में 6 बजा। क्या मजाक कर रही बेटी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुम नहीं समझोगी नानी। अरे मैं मिलने नहीं गई थी ना, तो उसे आएगा गुस्सा। वो आएगा घर पे, बोलेगा पायल पायल मैं नहीं आऊंगी। फिर तुमको पकड़ेगा, बोलेगा अपन पायल से मिलने आया है, जाओ उसे। देखो मैंने कहा था ना, आ गया जाओ, मैंने जो कहा था वही करो, ठीक है? डरना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। इतनी बड़ी हो गई है, इसका बचपन अभी तक नहीं गया। पायल कहाँ है? वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, उसने कहा है कि तुम उसे भूल जाओ। नानी मजाक मत करो। मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे अर्जुन, जब तक कोई चीज अपनी नहीं हो जाती उस पर अपना हक नहीं समझना चाहिए। अब तुम जाओ। पहले ही बोला था मैंने कि इन शहरी लड़कियों के चक्कर में मत पड़, मगर नहीं, तेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं ना। देख, इन शहरी लड़कियों के लिए प्यार व्यार की कोई कीमत नहीं होती, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, पैसा। वो पैसा जो उस शक्ति कपूर के पास है। तू पायल को नहीं जानता, मैं वो मजाक कर रही है, वो मुझे चाहती है। हाँ हाँ, वो मुझे चाहती है। तू बैठे रह रही ये सोचते हुए, और वो वहां लो आ गई चमची। अर्जुन अर्जुन इधर आ। गुरु का दिमाग ठीक नहीं है, जो भी बोलना है वहीं से बोल। मुझे पायल ने भेजा है। हाँ? हे, हे कालिया, हे पायल ने मुझे बुलाया होगा। देख पायल ने मुन्नी को भेजे। अरे कालिया, पायल ने जरूर बुलाया होगा। ये शेर की लड़की क्या करता है? अरे पायल ने बुलाया होगा मेरे को। हे मुन्नी, पायल ने कुछ बोला क्या? बोला क्या पायल ने कुछ? हे मुन्नी बोलना, हे पायल ने कुछ बोला क्या? पायल ने यही कहलवाया ना कि वो मजाक कर रही थी। बोल, पायल ने मुझे मिलने को बुलाया ना? हाँ, कह रही थी ना वो मुझे प्यार करती है। नहीं अर्जुन, पायल ने ये लौटा दिया है। आशिकों से बस यही
मेरे पास एक आवारा था मैं। दुख हुआ तुमको, दुख हुआ तुमको कि मैं इंसान बन गया। तकलीफ हुई तुमको, तकलीफ हुई तुमको कि पायल मेरी बन गई। पायल और मैं एक मोहब्बत का छोटा सा आशियाना बनाना चाहते हैं,
मत तोड़ो उसे, मत तोड़ो उसे, मत तोड़ो उसे। बैठो। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसा सपना देखो जो देखने से पहले टूट जाए। एक दिन डॉक्टर गुप्ता एक लड़की का ऐसा केस लेकर आए जिसके दिल में एक छेद था और उसका एक वॉल्व बिल्कुल खराब हो चुका था। 2 साल की उस मासूम बच्ची को लेकर जब उसका बाप अरुण मेरे सामने आया तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। अरुण और मैं बचपन के दोस्त थे और जब अरुण को उसकी बच्ची पायल की बीमारी के बारे में पता चला तो वो पागल सा हो गया। पायल की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज था और वो था ऑपरेशन, लेकिन वो ऑपरेशन बहुत खतरनाक था। अरुण ने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं चाहिए मुझे ये ऑपरेशन, नहीं चाहिए। अरे मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा बचा, वो भी तुम साले डॉक्टर लोग छीन लेना चाहते हो, नहीं चाहिए मुझे ये ऑपरेशन। तब डॉक्टर गुप्ता ने एक आशा की किरण दिखाई, कहा कि ऐसे केसेस में जब पेशेंट धीरे धीरे बड़ा होता है उसकी बॉडी का रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है और वो ऑपरेशन झेल सकता है, फिर भी ऑपरेशन कामयाब होना बहुत मुश्किल है। बस उस दिन से आज तक हमेशा मैं पायल के पूरे समाचार रखता हूं। यह तो खुशी की बात है, आज तक ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब उसे माफ कर दीजिए, पायल को बचा दीजिए डॉक्टर साहब, पायल को बचा दीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते, पायल को बचा दीजिए डॉक्टर साहब। देखो डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे यह तो नहीं कहूंगा कि मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं तुमसे हकीकत नहीं छुपाऊंगा। पायल का बचना नामुमकिन है, अगर भगवान चाहे तो उधार की दी हुई सांस है वो कुछ दिन और बढ़ा सकता है। ए गुरु, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहा? देख देख, ऐसा मजाक अपन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। काश ये मजाक होता। अरे ये मजाक नहीं तो और क्या है? अरे जब अपुन की मां मरी थी ना तो 1 महीना बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, और अपनी पायल तो अच्छी खासी है, खेलती कूदती है, घूमती फिरती है, वो कैसे? तू झूठ बोल रहा है ना? उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो अंदर से कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेटी सोई नहीं तू? नींद नहीं आ रही होगी, आजा आजा मेरे पास आजा। आजा यहां सो जा मेरे पास। ननिमा लोरी सुनाइए ना। तुझको
जिस तरह नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, उसी तरह मैं और पायल भी। अरे तो कैसी बात कर रहा है यार, प्यार करने वालों को भगवान हमेशा मिलाता है। अब मैं क्या बताऊं नानी, ना सास है न ससुर, न देवर है न ननन, घर में झगड़ा ही नहीं, अनाथ है ना लड़का। और एक बात बताऊं नानी, मेरे अर्जुन से तो ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मिल ही नहीं सकता पायल को। सारा सारा दिन घर में बैठा रहेगा पायल के साथ, काम काज जो नहीं करता, और काम काज नहीं करेगा तो सारा दिन बैठा रहेगा घर में पायल के साथ प्यार करते हुए। और बड़ी बात तो ये है नानी कि पायल को रसोई बनानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़का जब कमाएगा नहीं तो राशन नहीं लाएगा, है ना? हाँ, और राशन नहीं लाएगा तो रसोई नहीं पकेगी, और सेहत भी खूब बनेगी पायल की। अरे नानी, सुना है चने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ? लियो बोल लियो। ये लो, असली बात तो मैं बताना ही भूल गया, लड़का लियो भी तो है। हाँ? लियो नानी, लियो यानी शेर। शेर भूखा मर जाएगा पर घास कभी नहीं खाएगा। मैं तो कहता हूँ करवा ही लो ये शादी। देखो बेटी, ये शादी तो नहीं हो सकती। हाँ? मेरी पायल की उम्र ही क्या है, बहुत छोटी है, वो जरा बड़ी हो जाए। पायल, 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 बेटी, अर्जुन, कुछ नहीं होगा। पायल, बेटी, आगे करो। पायल, बेटी, नहीं, पायल।
बनाओ समुद्र की रेती से महल। देखो अर्जुन, मुझे तुम्हें इन्हें किसी को भी ये नहीं मालूम कि सुबह की कौन सी किरण मेरे लिए मौत का पैगाम लेके आने वाली है। और तुम ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी का एक पल संवारने के लिए मैं तुम्हारी सारी जिंदगी दुखी कर दूं। इतनी मतलब ही नहीं हूं मैं तुमसे प्यार करती थी अर्जुन, और अब भी करती हूं, पर इस मोड़ पे मैं ये महसूस नहीं करना चाहती कि तुम मेरी मांग में दया का सिंदूर भर रहे हो। एक डूबती हुई नाव के माछी बनने की कोशिश मत करो अर्जुन। हो गया तुम्हारा पूरा? अब मैं कुछ बोलूं? अगर इसी बीमारी का पता मुझे शादी के बाद चलता तो क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? और अगर यही बीमारी, हाँ पायल, यही बीमारी जो तुम्हें हुई है मुझे हो जाती, क्या करती तुम? हाँ,